तमाम दोस्तों को आसान नाम लिया सबके लिए मैं तजल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपका दोस्त शेख रशीद शाह खादरी आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जी दोस्तों, नफरत का अमल सिक्स, यानी दोस्तों नफरत के जुदाई के अमलात मैंने तकरीबन पांच अमल बता चुका हूँ। मेरे वीडियो में आपको मिला आप तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते। और मेरे डिस्क्रिप्शन जो है नीचे लिंक है, उस पर आप लिंक पे फॉलो करके भी आप वो अमल देख सकते हैं। या दोस्तों, नफरत या जुदाई का नाजायज रिश्ते को तोड़ने का आसान अमल छह। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी खिदमत में दूसरा अमल पेश कर रहा हूँ। ये सिर्फ वजीफा मैं आपको बता रहा हूँ, चंद सूरह बताने वाला हूँ। ये सूरह देखो, सूरह को पढ़ने के तरीका है, पढ़ने के बाद आप इसको अमल करना है। बहुत ही जरा डेंजर अमल है, और करने वाले हजरात और ख्वातीन, मेरे भाइयों बहन, आप एहतियात से करें। अगर आपका दिल खौफी है, आप कर सकते हैं तो करें, वरना करने का ख्याल तुर कर दे। बाकी के दूसरे अमल भी है, लेकिन बहुत उतना मुश्किल भी नहीं, आसान है। अब मैंने आपको चंद तरीके बताने वाला हूँ, उस तरीके से आप अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह 110% कामयाबी जरूर होगी, या समझिए कि 1000% कामयाबी होगी। कहता क्या दोस्तों, मैं आपको ना ही कोई नश्र बताने वाला हूँ, ना ही दूसरा आपको कुछ अमल बताने वाला, सिर्फ कुरान की दो सूरत, यानी दो सूरतें बताने वाला जो आपको आसानी से आती हैं, आप खुद जानते हैं कि वो सूरत क्या है, वो क्या पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या करना है आपको, कब्रिस्तान की मिट्टी आपको मंगानी होगी, मट्टी। जी हाँ, कब्रिस्तान की खबर की मिट्टी, या चाहे वो शमशान की हो, खबर की हो, कहीं की भी हो, मंगा ले। अगर हिंदुओं का कब्रिस्तान है तो, या क्रिश्चियन का हो, किसी का भी हो, आप वहां की मिट्टी मंगाएं। अगर तीन जगह की भी आपको मिट्टी दस्तयाब हो जाती है तो तीन भी मंगा लें। और चौक यानी चौरस्ते पर जो हो, चार रास्ते जहां पर, तीन रास्ते जहां पर मिलते हैं, वो सेंटर में वहां के थोड़ी मिट्टी जमा कर लीजिए, या ऐसी किसी जगह की मिट्टी। और दो, एक तो तीन कब्रिस्तान या शमशान, और क्रिश्चियन के होते हैं, हिंदुओं के होते हैं, मुस्लिम के होते हैं, तीन की भी अगर आपको मिट्टी मिल गए तो बेटर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अगर नहीं, आप किसी एक ही कब्रिस्तान या किसी एक ही जगह की आपको मिट्टी या मट्टी कुछ मिल रही, थोड़ी सी मट्टी, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह तो भी काम चल जाएगा। फर्स्ट एक, सेकंड जो है चौरस्ते की मट्टी या तीन रस्ते की मट्टी आपको, यानी जो रास्ते रोड होती है वहां पर सेंटर दो या तीन रास्ते मिलते हैं, तो इस जगह की भी आप मिट्टी थोड़ी सी जमा लें, दो मिट्टी भी एक साथ में रख लें, और अलग अलग रखना है आपको, ठीक है, अलग अलग थोड़े थोड़े इसमें डिबिया में या कवर में या पेपर में आप रख सकते हैं। और ये अमल आपको करने से पहले आप बावजू होना चाहिए, आप खुद जाके भी ला सकते हैं मिट्टी, दूसरे से भी मंगवा सकते हैं, मंगवाने के बाद भी आप जिसो। और तीसरी जो है, आपको किसी गैर आबाद जगह की मिट्टी होना चाहिए, जैसे कि गैर आबाद का है वीरान, उजड़े हुए घर, उबड़े खंडहर जो रहते हैं, जहां पर कोई बसेरा नहीं होता, कोई मुकाम नहीं करते, जहां आबादी नहीं होती, ऐसी जगह की मिट्टी, या नहीं है तो मैदान की मिट्टी कहीं की भी, तीन जगह की मिट्टी ला लीजिए। अगर तीन कब्रिस्तान की, तीन मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, किसके भी आपको अगर मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी एक जगह, उसको एक ही की में रखना है आपको। बाकी ये तीन मिट्टियों को अलग अलग साथ जमा कर आपको रखना है। रखने के बाद आपको पढ़ना क्या है, हफ्ते के दिन मिट्टी लाने का दिन भी हफ्ता है, यानी सैटरडे, और मिट्टी और ट्यूजडे यानी मंगल के दिन, हफ्ता यानी सैटरडे, ट्यूसडे यानी मंगल के दिन, यही दो दिन ही आपको काम करना है, और संडे के दिन भी कर सकते हैं। अगर आप ये दो दिन में करेंगे तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, यानी आप ट्यूसडे या सैटरडे दो ही दिन का इंतखाब कीजिए, बहुत बेटर है। दोपहर के वक्त ही आपको मिट्टी मंगाना है, और दोपहर के वक्त ही आपको ये अमल पढ़ना है। नंगे सर यानी सर पे टोपी या कपड़ा पल्लो कुछ नहीं होना चाहिए, आप आगे बावजू होना चाहिए। और पढ़ना क्या है आपको, सारे मिट्टी रखने के बाद दुश्मन के दो शख्सों के दरमियान आप जुदाई डालना चाहते हैं, या उनकी नाजायज ताल्लुक को खत्म करना चाहते हैं, उनके रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में आपके घर वालों को और आपके लोगों को, अपने माहौल को तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, और उनके रिश्ते नाजायज है, उनकी तरफ से सबको नुकसान हो रहा है, तो इसी जायज मकसद के लिए आप अमल जरूर करें। सिर्फ और सिर्फ जायज के लिए ही आप अमल करें, नाजायज के लिए हरगिज ना करें। अगर आप करेंगे तो आप खुद गुनहगार हैं, मैं इससे, इसकी इजाजत मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ जायज के लिए इजाजत है। अगर आप करेंगे तो, अगर आप नाजायज के लिए कर रहे हैं तो आप खुद इसके जिम्मेदार हैं, मैं नहीं हूं। तो मैं सिर्फ जायज के लिए बता रहा हूँ, जो शख्स, जो बहन बहन, जो जिनको जरूरत है इस चीज की, और अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को जरूर कर सकते हैं। तो करना क्या है, सूरे अलम नशराह लका सदरवा का, ये आपको मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ, देखिए सूरे अलम नशराह को आपको 11 मरतबा पढ़ना है, और इन्ना आतैना कल कौसर, सूरे कौसर को आपको 11 मरतबा पढ़ना है। ये दो सूरत को आपको पढ़ना है, सिर्फ ये दो ही सूरत पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इस मिट्टी पर आपको फूंकना है, दूर से ऐसा मिट्टी रख लिए, एक छोटे बॉल में रख लीजिए, छोटे बॉल में या बॉटल में डाल लीजिए, जितनी छोटी छोटी मिट्टी बनाकर सारी की सारी मिट्टी एक ही बार में फेंक देना है आपको। उसके बाद दम करना है आपको बैठकर, बस दम करने के इतना ही करना है। दम करने के बाद मिट्टी लाए बचा कर नहीं रखना है आपको, दम करने के बाद दो शख्सों में से किसी के एक के घर में,
एक शख्स आप ही के घर में है तो आप उसके समझे कि वो किस जगह पर रहता है, किस मुकाम पर बैठा, वहां पर डाले, या नहीं तो दूसरे जो उसके साथ जो दूसरों का ताल्लुक है उसके घर में या उसके दीवार पर उसके घर के अंदर किसी भी तरह वो मट्टी को फेंक दे। अगर आप ये फेंक सकते हैं तो ही अमल करें, अगर दूसरा कोई रास्ता नहीं, अगर नहीं फेंक सकते हैं तो हर किसी अमल कामयाब नहीं होगा। तो उसी में दो में से किसी के एक के घर में आपको डालना होगा। और आपको इसी तरह अगर आप सैटरडे को स्टार्ट करेंगे तो 3 सैटरडे इस तरह आपको पढ़ना होगा, 3 सैटरडे मट्टी मंगानी होगी, 3 सैटरडे मट्टी पर दम करके डालना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 सैटरडे में आप पहले सैटरडे डालेंगे, इंशाल्लाह दूसरा सैटरडे करने के अंदर आपका काम हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी का ना होता हो तो 3 सैटरडे मुकम्मल कर ले, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जरूर इसमें काम 100% हो जाएगा। अगर जादू कुछ ताल्लुकात तिफली हो या अमली हो, अल्हम्दुलिल्लाह अलवी हो या नूरी हो, कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमली हमारा जो अमल है नूरी है, तो कुरान के जितने भी अमल है इसको नूरी कहते हैं। सिफली अमल जादू गैर कौम के जो करते हैं उनके सिफली अमल कहलाते हैं। चलो दोस्तों आपको समझ में आ गया किस तरह करना है, तो बावजू करें, हिम्मत से करें, और आके नापाके की हालत में हरगिज ना करें, वरना जिस कब्र की खुदातन की मिट्टी लाते हैं उसके साथ बदर, मैं आपको बताता चलूं, रूहें भी साथ आती हैं, और जो वीरान जगह के आते हैं तो जो जन्नात बलाया जो रहते हैं वो साथ आते हैं मिट्टी पर, जब अमल करते साथ आते हैं। तो आप बावजू करना चाहिए, आयतल कुर्सी अपने पर पहले 11 मरतबा दम कर लें, चारों फुल दम कर लें, बावजू हो जाए, बच्चों को सामने ना रखें, छोटे बच्चों को हरगिज इस अमल से दूर रखें। अगर आप अमल करने का इरादा करते हैं तो आप तन्हा हो जाइए, और मिट्टी मंगाकर घर के अंदर ना रखिए, घर के बाहर ही रखकर आपको पढ़ना है, या ऐसी जगह पर रखिए जहां बच्चे ना आते हों, पढ़िए, बड़ी फजल से अमल कीजिएगा। और वो खतरनाक भी है और बहुत आसान भी है और बहुत फुल तासीर भी है। मैं आपको बताना इसलिए जायज मकसद के लिए बता रहा हूँ, और जो हजरत नाजायज के लिए करने का इरादा रखते हैं तो अल्लाह के लिए ना करें, खुद गुनहगार होंगे और आपको उल्टा तकलीफ भी हो जाएगी। चलिए दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये अमल आपको समझ में आ गया। अगर आपको मेरा अमल समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को मेरे जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के और आसान इंशाल्लाह मैं आपके अमल आपकी खिदमत में बनाकर पेश करता रहूंगा। और आपसे एक इल्तिजा है दोस्तों, मैं नेक्स्ट 15 डेज या 15 डेज 12 डेज इंशाल्लाह मैं आउट ऑफ जा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा इंशाल्लाह। तो आप प्लीज मैसेज कर दीजिए, करें कॉल ना करें, इंशाल्लाह 15 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा, इंशाल्लाह जरूर आपसे बात होगी। मिलते हैं दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।